नमस्कार दोस्तों, श्रावणी किचन में आप सबका स्वागत है। सर्दी का मौसम यानी गोभी का मौसम। वैसे तो आजकल बाजार में साल भर गोभी मिलता है, लेकिन सीजनल गोभी का टेस्ट ही कुछ अलग है। आज मैं लेके आई हूँ गोभी आलू मटर की रेसिपी। वैसे तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैंने अपने तरफ से थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है इस रेसिपी में। तो आप इस रेसिपी को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। एक पतीले में हमने पानी लिया है, पानी हम बॉईल कर लेंगे। तो पानी जब बॉईल होने लगेगा तब हम इस पे डाल देंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी। फिर इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू हमने मीडियम साइज में काट लिया है, दो आलू लिया है यहाँ पे हमने। आलू हम पहले डालेंगे क्योंकि आलू कुक होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो 2 से 3 मिनट तक हम आलू बॉईल कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे फूल गोभी। इसे हम 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो इसे हम बॉईल होने देते हैं और जब तक ये हो रहा है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। ग्राइंडर में हम डाल देंगे 1 टमाटर, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 2 लाल मिर्च। तो इन सारे चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को हम अच्छे से अभी मिला लेंगे। और फूलगोभी और आलू जो हमारा है वो थोड़ा थोड़ा करके अभी बॉयल हो चुका है। थोड़ा सा आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए एकदम हल्का सा प्रेशर देते ही ये टूट रहा है। ये हमारा हो गया है। तो इसे हम अभी पानी से उठा लेंगे। तो एक स्ट्रेनर से हम इसे पानी से उठा लेंगे। अब कढ़ाई में हम 4 बड़ा चम्मच तेल लिया है हमने। तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे एकदम फाइनली चॉप किया हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज का प्याज हमने चॉप कर लिया है। तो इसे हम अभी तेल में तलेंगे, मीडियम फ्लेम में रख के तलेंगे। प्याज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो जाना चाहिए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसे हम तलेंगे और फिर इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। उसी तेल में हम अभी डाल देंगे 3 लौंग, 3 इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4-5 काली मिर्च के दाने। 30 से 40 सेकंड तक इसे हम तलेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की पेस्ट जो हमने पहले ही बना के रखा था। टमाटर प्याज लहसुन वाला पेस्ट वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और फिर इसे हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में। 2 से 3 मिनट तक कुक करते ही कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। इस वक्त फ्लेम हम एकदम लो पे रख देंगे और यहाँ पे हम अभी डाल देंगे ड्राई मसाला पाउडर और फिर अभी हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच दही। दही हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे और सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम फ्लेम फिर से मीडियम पे रख के कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इस मसाले को कुक करेंगे। बहुत अच्छे से मसाला कुक होके तेल अलग हो जाएगा इससे और तब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। जो प्याज हमने पहले तेल में तल लिया था उस प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है, तो वो पेस्ट हम अभी इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम मसाले के साथ मिला के कढ़ाई को ढक देंगे और ढक के इसे हम कुक करेंगे 2 से 2.5 मिनट। अभी हम इसमें डाल देंगे हरे मटर। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो हरे मटर नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने कच्चा हरे मटर का ही यूज़ किया है, यह हम डाल देंगे और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे जो आलू और गोभी हमने बॉईल करके रखे थे वो भी डाल देंगे और सारे मसालों के साथ हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और पानी हम यहाँ पे वार्म वाटर यानी हल्का गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर बैलेंस रखने के लिए। और पानी डालने के बाद हम फिर से अच्छे से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसे कुक होने देंगे लगभग 5 से 6 मिनट। हमने ढक्कन फिर से हटा दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और जूलियन किया हुआ अदरक। आप यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने गरम मसाला यूज़ नहीं किया है। तो इसे हम मिला के फिर से ढक्कन बंद करके बस 2 मिनट कुक होने देंगे ताकि अदरक और धनिया पत्ता का जो स्मेल है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए आलू मटर गोभी की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे आप रोटी के साथ या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।